समथिंग कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, आपका तो कोई चांस ही नहीं है। विकीलीक्स में जो आपके बारे में जिक्र है, अमेरिकन्स डोंट लाइक यू। नहीं, अमेरिकन्स तो पावर इन इस्लामाबाद लाइज टू द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। विकीलीक्स से तो ये जाहिर हो रहा है और आपका तो वहां जिक्र ही नहीं है। मुझे वो पावर चाहिए जो अमेरिकनों के कंधों पर चढ़ के आनी है। मुझे कोई पावर की चेंज कैसे आएगी? जो अमेरिकनों के कंधों पर चढ़ के आएगा वो चेंज नहीं ला सकता। वो स्टेटस को का हिस्सा रहेगा, वो कहेगा जो वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये अमेरिकनों के, ये जो सारे हैं हम लिबरल हैं, ये लिबरल बन के आए हैं ना हम, लिबरल का मतलब जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे, तो ये आप कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? एक्चुअली अमेरिकनों को कन्विंस करने की जरूरत है कि आपकी जो पुतला बनाने की, पुतले रखने की पॉलिसी है फेल हो चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, वो भी सबके सामने है। आप एंटी अमेरिकन हैं? मैं कभी किसी मुल्क का एंटी नहीं हो सकता, मैं अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ। लेकिन अगर आपकी 80% अवाम आज अमेरिका के खिलाफ है, अगर फौज रिफ्लेक्ट करती है आपकी अवाम, तो इसका मतलब 80% फौज भी, फौजी भी अमेरिका के खिलाफ है, अंदर जो फौजी है। इसका मतलब कि जब आपकी हायरा की पॉलिसी फॉलो कर रही है जो अवाम की सोच के खिलाफ है, खतरा ये सारी पाकिस्तानी कौम को चलना चाहिए कि अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं जो आपकी फौज, आम फौज जो आपका रैंक एंड फाइल है वो उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका एंटी इस्लाम है। अगर खान साहब, लेकिन अगर पॉलिसी फॉलो की, आपकी फौज के अंदर प्रॉब्लम आने वाले आगे।